दोस्तों, क्या होगा जब एक दिन अचानक से आपको पता चले कि आप अपने लेफ्ट हैंड से जिस भी चीज़ को छूते हैं वो डिसअपीयर यानी कि गायब हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? कुछ ऐसा ही होता है हमारी कहानी के मेन हीरो फेंग के साथ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी होने वाली है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज संडे है, इसलिए हमारा हीरो फेंग दिन में 10 बजे तक सोने का प्लान बनाता है, लेकिन रोज की तरह अलार्म क्लॉक सुबह के 6 बजे ही बजने लगती है। और जब फेंग अलार्म क्लॉक को ऑफ करने के लिए अपने बगल में रखे टेबल पर मोबाइल को ढूंढता है, तो उसके हाथ के टच से टेबल पर रखा रिमोट, मोबाइल और यहाँ तक कि पूरा टेबल ही गायब हो जाता है। फेंग ये सब देख कर पूरी तरह से हैरान होता है, और जब उठने के लिए अपने बेड को छूता है तो उसका बेड भी गायब हो जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। और जब फेंग जमीन से ऊपर उठने के लिए बिल्डिंग के फ्लोर को टच करता है तो पूरी बिल्डिंग ही गायब हो जाती है, और फेंग खुद को रोड पर पाता है। इस समय तक फेंग पूरी तरह से डर चुका है, और साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा हैरान भी होता है, और उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। अब फेंग जब ये सब सोचते सोचते अपना लेफ्ट हैंड अपने सिर पर रखता है तो उसके सिर का उस जगह का बाल भी गायब हो जाता है, जिससे फेंग समझ जाता है कि वो अपने लेफ्ट हैंड से जिस भी चीज़ को छूता है वो गायब हो जाता है। इसके बाद फेंग अपने कपड़े को छूता है और अगले ही पल उसके कपड़े भी गायब हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो फेंग से लड़ने लगती है, क्योंकि उसको लगता है कि फेंग उसे छेड़ने के लिए ये सब कर रहा है। फेंग उस लेडी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान वो उस लेडी के कपड़े को भी टच कर लेता है, जिससे उस लड़की का कपड़ा भी गायब हो जाता है। ये सब देखकर लड़की पूरी तरह से डर जाती है और फेंग के मेन पार्ट पर जोर से वार करती है, जिससे फेंग को बहुत तेज दर्द होता है। और जब वो उस जगह को टच करता है तो उसका अंडरवियर भी गायब हो जाता है, और अब फेंग पूरी तरह से नेकेड होकर रोड पर खड़ा है। वो लेडी फेंग को अपने सामने नेकेड खड़ा देखकर पूरी तरह से डर जाती है, और उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। कि तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है, जो फेंग को इस तरह रोड पर नेकेड खड़ा देखकर फेंग पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। फेंग पुलिस ऑफिसर को देखकर पूरी तरह से डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। पुलिस ऑफिसर फेंग का पीछा करते हुए उसके पीछे आता है। पुलिस ऑफिसर से बचकर भागने के दौरान फेंग एक कार से टकराने ही वाला होता है कि वो उस कार को टच कर देता है, जिससे वो कार तो गायब हो जाती है, लेकिन कार के अंदर बैठे लोग गायब नहीं होते हैं और रोड पर गिर जाते हैं। इसके बाद फेंग वहाँ से भागने लगता है। अगले सीन में हम एक बच्चे को देखते हैं जो एक सांप के बाहर खड़ा होकर अपने फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को देख रहा था, क्योंकि पैसों की कमी से वो उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को नहीं खरीद सकता था। कि तभी वहाँ से फेंग गुजरता है, जो सांप के शीशे के वाल को टच करके आगे निकल जाता है। फेंग के वाल के टच करने की वजह से शीशे की वाल गायब हो जाती है, और वो बच्चा बड़े ही आसानी से बिना पैसे खर्च किए अपने फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हासिल कर लेता है। फेंग पुलिस ऑफिसर से बचकर नंगा ही पूरे सिटी में भाग रहा होता है, और पुलिस ऑफिसर भी पूरे सिंघम स्टाइल में हार नहीं मानता है और फेंग को पकड़ने की कोशिश करता रहता है। लेकिन इस दौरान गलती से पुलिस ऑफिसर एक छोटे बच्चे की टोली को धक्का दे देता है, जिससे टोली नीचे गिरने लगती है। फेंग जब ये देखता है तो एकदम हीरो स्टाइल में बच्चे को बचाने के लिए कूद पड़ता है। अब फेंग ने उस बच्चे को बचा लिया होगा, या फेंग के छूने से बच्चा भी गायब हो गया होगा। आप अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।